दोस्तों, जैसे हमने जावा एनवायरनमेंट के बारे में, जेडीके के बारे में अभी पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा, अब उसी में जावा एनवायरनमेंट के अंदर ही एपीआई होता है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है, जैसे जेडीके में हमने अभी तक क्या पढ़ा, जितने भी जावा डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो सारे पढ़े, ठीक। और कैसे वो काम करता है, हमारे प्रोग्राम बनाने में मदद करता है, डेवलप करने में, रनिंग करने में, वो सारे टूल्स हमने पढ़े। तब एपीआई क्या होता है, हमने डिस्कस किया था पिछले ट्यूटोरियल में जावा एनवायरनमेंट में, तो उसमें मैंने इसके बारे में विस्तृत बात बोली थी कि अगले ट्यूटोरियल में हम बताएंगे, तो वही चीज़ आ गई। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एपीआई होता क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स इनटू सेवरल फंक्शनल पैकेज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैकेज। तो सबसे पहले देखिए, जो एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसमें 100 से भी ज़्यादा क्लास और मेथड्स दिए होते हैं और सामान्य तरीके से पैकेज होते हैं। जो सामान्य पैकेज जो हों, जिस प्रकार के भी पैकेज बने हुए हैं ऑलरेडी सेवरल फंक्शनल, ठीक उसी के अंदर ये सारे मेथड्स और क्लास इंक्लूड होती हैं। तो हम इन पैकेजेस का यूज किस तरह करते हैं और कौन कौन से पैकेज यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा। तो पहला होता है लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज, ठीक। लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज क्या होता है, लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड मेथड रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। जो बेसिक फीचर्स होते हैं जावा के, वो सारे इस पैकेज में डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे हमने इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार सेमीकोलन, इस तरह से जब जावा प्रोग्राम हम बनाते हैं तो ऊपर ऊपर सबसे पहले इम्पोर्ट फाइल बनाते हैं। जब जिस तरह से हम सी या सी प्लस प्लस में हेडर फाइल हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच या हैच इंक्लूड पी आई स्ट्रीम डॉट एच, ये सारी मतलब हेडर फाइल्स लगाते हैं, उसी तरह से जावा में इंपोर्ट फंक्शन होता है। इंपोर्ट फाइल इंपोर्ट करके इंपोर्ट कीवर्ड होता है, इंपोर्ट कीवर्ड फिर स्पेस फिर जावा डॉट लैंग डॉट स्टार करके सेमी कॉलम लगा देते हैं। तो इससे क्या होती है, जितने भी लैंग्वेज लैंग्वेज सपोर्टेड होती हैं वो सारी क्लासेस और मेथड उसके सारे इनहेरिट हो जाते हैं उस प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में हम ये हेडर इंपोर्ट फाइल लगाते हैं। तो ये सारी जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ जावा होती हैं वो लैंग होती है, लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक। दूसरा होता है यूटिलिटीज पैकेज। आपने इसे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट करके स्टार या स्कैनर, बहुत सारे इसके क्लासेस हैं तो स्टार कर दिए और सेमी कॉलम, तो इसके सारे जितने भी क्लास और मेथड्स होते हैं वो इनहेरिट कर सकते हैं उस प्रोग्राम में, जितने भी क्लास बने हैं किसी भी क्लास में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस टू प्रोवाइड यूटिलिटी फंक्शन सच एज डेट एंड टाइम फंक्शन। तो ये जिसमें ये जो यूटिलिटीज पैकेज होता है, इसके अंतर्गत डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे इंक्लूड हैं, और हम इनके जो क्लासेस हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं यूटिलिटीज फंक्शन कि हम उसमें ये सारे चीज़ मतलब डेट एंड टाइम के लिए वो सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो फिर तीसरा आता है इनपुट आउटपुट पैकेज। इनपुट आउटपुट पैकेज क्या होता है, इनपुट का मतलब आप जानते हैं और आउटपुट का मतलब, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट और जो कंप्यूटर से हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट। तो ये पैकेज है इनपुट, आपने इसको जावा डॉट आयो मतलब इम्पोर्ट कीवर्ड स्पेस जावा डॉट आईओ डॉट स्टार करके ये इंपोर्ट फाइल लगा सकते हैं। तो आ कलेक्शन ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, ये हमारी जो प्रक्रिया है इनपुट आउटपुट के लिए, वो सारी चीज़ें जैसे कि हमने जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये यूज करते हैं किसके लिए, ताकि ये इनपुट जो हम यहाँ पे इनपुट दें वो आउटपुट हमें शो करें, ठीक। तो इसी तरह से ये आउटपुट के लिए हो गए, इनपुट के लिए हो गए, ये सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इनपुट आउटपुट पैकेज के अंतर्गत आते हैं। फिर आए नेटवर्किंग पैकेज। नेटवर्किंग पैकेज क्या होता है, आ नेट कलेक्शन ऑफ क्लासेस फॉर कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर बाय इंटरनेट। जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो वो सारे चीज़ें कहाँ पे होती हैं, नेटवर्किंग पैकेज। ये जो नेटवर्किंग पैकेज होता है, इसी के माध्यम से हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरा होता है AWT पैकेज। AWT पैकेज द अबस्ट्रैक्ट विंडो टूल की पैकेज कंटेन क्लासेस दैट इंप्लीमेंट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
जो जीयूआई होता है आप जानते हैं इसके बारे में कि जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो आप समझते हैं, जो कि मैं अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम समझते हैं कि जिस क्लास में, जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया जाता है, या जिस, और जब तक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे तो मेथड्स नहीं बनते हैं, और जो अगर मेथड्स में भी एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं तो वो किसी, वहाँ पे हम उसकी डिफिनीशन नहीं दे सकते हैं, तो उसे हम दूसरे क्लास में इनहेरिट करेंगे और वहाँ पे इसकी डिफिनीशन देते हैं, ठीक। फिर उस दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जहाँ पे इसकी डिफिनीशन दी जाती है। तो इसी तरह से ये पैकेज को कंटेन करके रखता है, और क्लासेस दैट इंप्लीमेंट्स प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जीयूआई की तरह, जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। फिर होता है एप्लेट पैकेज, लास्ट एप्लेट पैकेज, दिस इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्लासेस That allow us to create Java applet. ये applet package क्या होता है, हमको Java में applet create करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि classes का set होता है। Class का मतलब तो आप समझते ही है, जिसमें किसी object के attributes या properties ये सब defined होती हैं, ये सारे class के अंतर्गत होते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, API, Application Programming Interface, जो कि Java environment के भाग है। जावा एनवायरनमेंट में पहला हमने पढ़ा जावा डेवलपमेंट किट JDK, और दूसरा API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट, ठीक। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।